जय हो यमराज महाराज की, जय हो यमराज जी। वाह वाह क्या बात है, अच्छे लग रहे हो, बड़े सोने लग रहे हो। अरे नचालो नचालो भी, बच्चों को नचा दो, क्यों निराश हो गए बच्चे। अरे आ जाओ चलो भी, बजाओ बजाओ बच्चों को खुश करो, बजाओ बजाओ। ये देखो पहाड़ी कैप है और इसकी कॉस्ट है यहाँ पे सूरजकुंड मेले में 2,000 रुपए। Where are you from? Zimbabwe. Zimbabwe? Okay. हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे शहर यानी कि फरीदाबाद से। फरीदाबाद को वैसे तो औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। आज की डेट में फरीदाबाद को सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला के नाम से जाना जाता है। अंदर मेला लगा हुआ है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। ये मेला 1987 से शुरू हुआ था, 37वीं बार ये मेला हो रहा है और यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं अपना प्रोडक्ट लेके। और इस टाइम 22 कंट्री यानी 22 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं मेले में और यहाँ पे मल्टी कल्चर लोग आए हुए हैं, केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपना अपना प्रोडक्ट लेके, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। और यहाँ पे अंदर जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, अंदर डांस भी होगा, भंगड़ा भी होगा, राजस्थानी डांस भी होगा, हरियाणवी डांस भी होगा और अलग अलग कंट्री के डांस होंगे, तो वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। लोग अक्सर चैनल पर विजिट करते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो ना तो सब्सक्राइब के पैसे लगते हैं, ना लाइक के पैसे लगते हैं, ना कमेंट्स के पैसे लगते हैं, ये यूट्यूब की तरफ से फ्री है। अंदर बहुत ज़बरदस्त धमाका होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपको दिखाने वाला हूँ, बस आप ब्लॉग पर बने रहिए। ये मेला वैसे तो पहले पूरे 28 दिन का होता था लेकिन 4-5 साल से अब इसका जो पीरियड है वो कम कर दिया गया है। अब ये मेला 2 फरवरी से शुरू हुआ था और 18 फरवरी तक चलेगा। मेला जो है इंट्री फ्री नहीं है, यहाँ पे इंट्री फीस लगती है, 120 रुपये का टिकट है पर पर्सन। लेकिन अगर आप संडे या सैटरडे को आते हैं तो उसका टिकट 180 रुपये पर पर्सन है। अभी हम टिकट काउंटर पे जाएंगे, वहाँ से टिकट लेंगे, फिर अंदर एंट्री होगी। यह है टिकट बूथ। टिकट बूथ पे तो इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि ऑनलाइन भी हो रही है टिकट इसकी। टिकट तो बड़ी इजीली मिल गई है लेकिन अंदर के लिए काफ़ी ज़्यादा रश है अभी। हालांकि सुबह का वक्त है, रश कम है, शाम को ज़्यादा रश होने वाला है यहाँ पे। सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे, काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है, बहुत लंबी चौड़ी जगह है ये, यहाँ से शुरुआत हो जाती है, ये प्रोडक्ट यहाँ से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल भी हैं, म्यूजिक प्रोग्राम तो है ही है, कल्चर प्रोग्राम तो है ही है, अलग अलग कल्चर का, अलग अलग संस्कृति का, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो। अब पूछता हूँ मैं कि ये लोग कहाँ से आए हुए हैं, यहाँ इन्हीं से शुरुआत कर देता हूँ। हाँ जी नमस्कार, नमस्कार। किधर से हो? पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा जी, तो दूध दही का खाना, वेरी गुड वेरी गुड। बजाओ जरा बजाओ बजाओ बजाओ। इससे भी जबरदस्त प्रोग्राम होने वाले हैं अंदर, बस आप ब्लॉग पर बने रहिए,
अभी तो आपको हमने हरियाणा की छोटी सी झलक दिखाई है, गर्म पानी का। हाँ, थर्मस टाइप का तो है, तो गर्म पानी होता तो है इस पे। ठंडा पानी। अच्छा, ये सारे आइटम मिट्टी के हैं। प्रेशर कुकर देखो, मिट्टी का है ये। 1200 रुपये इसकी कॉस्ट है प्रेशर कुकर की। सुबह का वक्त है इसलिए यहाँ पे अभी रश कम है, और वैसे भी वर्किंग डेज है तो संडे सैटरडे को तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, और शाम को वैसे आफ्टर लंच काफ़ी रश होने वाला है। ये कारपेट है ये। भैया कहाँ से आए हो आप लोग? मिर्जापुर से आए। अच्छा, मिर्जापुर। अब मिर्जापुर तो खैर कारपेट के लिए फेमस ही है। क्या कॉस्ट है इसकी? 6,500 रुपये। 6,500। और ये वाला? ये वाला 5,500। 5,500 रुपये। के घोंसले हैं आजकल, घोंसले भी बिकने शुरू हो गए, अच्छी बात है। आगे ले चलता हूँ। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। गुजरात का गरबा, ये गुजरात का, वेरी गुड। हरियाणा अपना घर, यानी पे यहाँ पे पगड़ी बांध सकते हो। पगड़ी बांधने के थोड़ा पैसे लेते हैं, जैसे ये इस भाइयों ने बांधी हुई है पगड़ी।
हालांकि मैंने लास्ट टाइम पगड़ी बांधी थी, मैंने मुझे शौक नहीं है। इसीलिए कहते हैं सूरज कुंड में आपको भारत की संस्कृति की झलक तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन विदेशी संस्कृति की झलक भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। Where are you from? Zimbabwe. Zimbabwe? Yes. Okay. You have your own product here or you are participating on a culture event? We have a table, FC20. Please go visit Zimbabwe stand, land of beauty. Okay, thank you, thank you, thank you. प्रोग्राम है यहाँ पे अभी, कहाँ से हैं आप लोग? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से, तो कौन सा मतलब डांस क्या? लावणी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, आप सभी महाराष्ट्र से। वाह, यू ऑल आर लुकिंग सो प्रेटी, सो प्रेटी। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। और यहाँ से इंटरनेशनल स्टॉल शुरू हो जाते हैं। ये किर्गिस्तान है, आगे काफी सीरिया है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ आगे क्या क्या प्रोडक्ट ने बेच रहे हैं। हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम किर्गिस्तान। फ्रॉम किर्गिस्तान? किर्गिस्तान, यस। ओके, व्हाट काइंड ऑफ आइटम यू आर सेलिंग हियर? ये देखो, ये किर्गिस्तान का ये सब आइटम है, ये जूते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो अधिकतर ये गर्म चीज़ें हैं वहाँ पे। आगे भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इनकी हैट है किर्गिस्तान की, और ये इनकी टोपियाँ हैं। यू आर वेलकम टू इंडिया, यू आर मोस्ट वेलकम टू इंडिया। थैंक यू सो मच। ये इनका हैट है, सीरिया से हैं, ये सीरिया की स्टॉल है। हाय, या व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज दिस? I'm Iskandar Stefan from Syria, handicraftsman. No, not first time, it's maybe 5 times I'm coming to India. This the job is named crochet, handmade. Handmade. Every woman in my country, my daughter, my mother, my wife working this. Nice, nice product. ये है इजिप्ट की स्टॉल, अब देखता हूँ ये इजिप्ट वाले क्या बेच रहे हैं। Hi, how are you? You are from Egypt? Yes, I am from Egypt. We have many items here, many varieties, stone items, copper and brass, and copper silver plated, golden items like this. We have brass items, papyrus leaves. We have many items. Handmade, handmade. Everything here handmade. Everything is handmade. Yes. Okay, thank you. ये बता रहे कि जो भी ये आइटम है ये सब हैंडमेड है, यानी हाथ से बनाई हुई है। और ये है इथोपिया, यानी अफ्रीकन कंट्री। Hi, how are you? How are you? I am fine. Where from? I am from Ethiopia, east of Africa. Ethiopia. Yeah. Okay. What kind of product you are selling here? We are brought bamboo, cotton products, okay. And also traditional coffee ceremony. You are first time in India? No, it is my second time. Second time? Yeah. और ये देखो, ये Tunisia का product है। ये है Tunisia,
ये मिडिल ईस्ट का कंट्री है ट्यूनिशिया, और ये इनके ये सब वुडन प्रोडक्ट है। अब ये क्या प्रोडक्ट है ये मुझे पूछना पड़ेगा इनसे कि इनका क्या यूज़ होता है, क्योंकि थोड़े बहुत तो हाँ थोड़े बहुत तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट इनका ये देखो ये जग है और ये पूरा हैंडमेड है, लकड़ी का है। अब इसकी कीमत जान के आप बड़ा शौक लगेगा आपको, कितने का बताइए आइटम इन्होंने 3500 रुपए का कप है ये लकड़ी का, क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं और उसमें फिर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, सब कुछ लगता है, इंडिया में है तो फिर इतना महंगा तो होगा ही होगा। आप कहाँ से हो? पलवल से। पलवल से, पलवल से। राम बंजारी। अच्छा कहाँ पे चल रहा है आपका प्रोग्राम? यही चल रहा है, सूरत कुंड। नहीं कहाँ पे? दिल्ली गेट पे। दिल्ली गेट पे। अच्छा अभी हो गया आपका होना है? चल रहा है अभी। चल रहा है, चलो आते हैं थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। और ये है आर्मेनिया, यूरोपियन कंट्री है शायद, नहीं आर्मेनिया नहीं सॉरी, ये रशियन कंट्री है। जब रशिया डिवाइड हुआ था तो उसमें से आर्मेनिया भी एक कंट्री था। ये इनके आइटम्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आर दीज हियर, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? हाउ मच? या हाउ मच? 1000 रुपीस। दिस इज हैंडमेड? ऑल हैंडमेड। ऑल आर हैंडमेड। पेंटिंग, ओके, सेरामिक, एम्ब्रॉयडरी, कारपेट्स, कपड़े, ऑल हैंडमेड। ओके ओके ओके। और भाई ये है अफगानिस्तान का स्टॉल, यहाँ पे तो कारपेट है सारे, अफगानिस्तान भी कारपेट के लिए काफी फेमस है, ये सारे कारपेट है। ये प्रोडक्ट सारी ये जिम्बाब्वे का प्रोडक्ट है। अब ये पता नहीं मैट है क्या है, ये तो खैर पर्सेस हैं, ये जिम्बाब्वे से आए हैं। और ये फ्रॉम जिम्बाब्वे, ओके 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 ओके। और ये है जी इस्वाथिनी, ये इस्वाथिनी के प्रोडक्ट हैं, कंट्री का नाम है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं इस्वाथिनी। वाह क्या प्रोसेस है, अरे वाह बहुत अच्छा है। तो हैंडमेड, ऑल दीज आर हैंडमेड, हैंडमेड। यू आर फ्रॉम विच कंट्री? दिस इज अफ्रीकन, अफ्रीकन, ओके ओके। अधिकतर यहाँ पे जितने भी ये कंट्रीज हैं ये सब साउथ अफ्रीकन है और कुछ रशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे। और ये कंट्री है मेडागास्कर, हैंडबैग है अधिकतर लोगों के पास तो यहाँ पे, और सब हैंडमेड हैं, जितने भी आइटम इनके पास हैं ये सब हैंडमेड हैं। ये लो जी ये हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका। अब यहाँ तो अधिकतर आइटम जूट के ही होंगे क्योंकि नारियल बहुत होता है ना वहाँ। अब ये थैले हैं, ये जूट आइटम है, कुछ छोटे मोटे हैं, ये सब जूट के हैं। टोगो कंट्री, ये भी साउथ अफ्रीकन कंट्री है, और यहाँ पे ये सब इनके ब्लेजर हैं, रंग बिरंगे ब्लेजर जो कि उनके ये ट्रेडिशनल ड्रेस हो सकती वहाँ की। ये भी टोगो का है। हाउ मच? 2000। हमारे जिस तरह पहाड़ी कैप होती है ना उसी तरह की कैप है ये, और इसकी कॉस्ट है यहाँ पे सूरजकुंड मेले में 2000 रुपये, 2000 रुपीस। ये देखो बिल्कुल सेम है। और ये चिली है, जो कंट्री है चिली। व्हाट इज दिस? बड़ा कास्ट। अच्छा लाइक दिस, ओके ओके। ये भैया ऐसे हिलाने के लिए, ओके सॉरी, ओके इट्स द आइलैंड, आइलैंड इट्स द आइलैंड, मेनी आइलैंड, ओके। ये यार इस कंट्री का नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ मैं, आज लग रहा है मुझे कि बहुत सारी कंट्री में मिस कर रहा हूँ जिनके नाम मुझे पता नहीं है। और ये देखो जी ये है, ये भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, अल्जीरिया कंट्री के, अल्जीरिया। और ये है उज्बेकिस्तान, ये उसके आइटम है, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी हैं, कुछ ये क्रॉकरीज हैं, और होंगी इनकी कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा होगी।
हाउ मच प्राइस इज दिस? 250 250 yes. ओके ये 250 रुपए का है. अच्छा ये हैंड बैग है 900 रुपए का. ये सब 900 रुपए के आइटम है. ये चेस है. पेंटिंग्स ऑल दिस ओके वुडन. यस वुडन. एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस? दिस वन 6500. ये देखो जी ये वुडन का है और इसकी कीमत है 6500 रुपए. अभी तो ये हमने थोड़े बहुत आपको ये जो इंटरनेशनल स्टॉल है यहाँ पे जो कंट्री है इनके दिखाए हैं. अभी थोड़ा देखते हैं कहाँ पे नाच गाना हो रहा है वहाँ पे चलते हैं. सीरिया नेपाल. हाँ आगे बहुत सारे हैं. सीरिया है, नेपाल है, नेपाल तो पड़ोसी है, तंजानिया है, बहुत सारी कंट्री हैं. जॉर्डन सामने जॉर्डन है, ये ट्यूनिशिया है, दोबारा बहुत सारी कंट्री है. यहाँ पे डांस हो रहा है दबा के. ये देखो वाह 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है. नचालो नचालो भी बच्चों को नचा दो. क्यों निराश हो गए बच्चे? अरे आ जाओ बच्चों आ जाओ नाचो नाचो. अरे बजा तो है. आ जाओ नाचो आ जाओ नाचो शुरू करो. चलो भी बजाओ बजाओ बच्चों को खुश करो. यहाँ पे उज़्बेकिस्तान के लोग भी नाच रहे हैं. तो स्वागत कीजिएगा हमारे कलाकारों का जो ला रही है लावणी. देखो जी अभी साउथ अफ्रीका से है. मैंने इनका रिक्वेस्ट करी है कैन यू डांस फॉर अ सेकंड प्लीज. व्हाट डस यू डांस? योर कल्चर डांस. ओके यू वांट अस योर कल्चर. या हां ओके अ फ्यू सेकंड्स ओनली. ओके जस्ट आई वांट टू कैप्चर ऑल योर वीडियोस. हां ओके.